दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सबको एक नए ब्रांड के बारे में बताऊंगा और एक नए मॉलिक्यूल के बारे में बताऊंगा जो अभी रिसेंटली कुछ सालों से ही टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में इलाज में उपयोग किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे लीनाग्लिप्टिन के बारे में। इसका एक ब्रांड आता है लीनापिल, जो एल्केम लेबोरेटरीज का ब्रांड है। अभी रिसेंटली ये मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हुआ है। तो लीनाग्लिप्टिन जो है एक डाइपेप्टिडिल पेप्टाइड 4 अवरोधक है। इसका उपयोग टाइप 2 डायबिटिक के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का एंटी डायबिटिक दवा है जो उचित भोजन और एक्सरसाइज के लिए डायबिटिक को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता। इसलिए लीनाग्लिप्टिन इंसुलिन स्त्राव में वृद्धि और आपके शरीर द्वारा उत्पादित शुगर में कमी को उत्तेजित करके काम करता है। यदि आपके पास टाइप 1 मधुमेह है तो मधुमेह में केटो एसिडियोसिस, जिसमें बोलते हैं रक्त केटोन के उच्च स्तर, या यदि आप एलर्जी है तो लीनाग्लिप्टिन या इससे कोई भी घटक तो आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि अगर लीनाग्लिप्टिन से आपको एलर्जी है तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लीनाग्लिप्टिन का उपयोग करने से पहले आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, डायबिटोलॉजिस्ट से एडवाइस ज़रूर लेना चाहिए। यदि गर्भवती पेशेंट है या लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसमें भी एडवाइस दिया जा रहा है कि आप डॉक्टर से ज़रूर यूज करें। यदि आप कोई दवा पहले से ले रहे हैं या हर्बल कोई कुछ भी ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें, क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए है और टाइप 1 में अभी ये रिकमेंड नहीं किया गया। लीनाग्लिप्टिन का कोई गंभीर जो है दुष्प्रभाव नहीं अभी तक है, लेकिन कभी कभी गले में दर्द, नाक बहना, हल्का जो ज्वाइंट होते हैं उसमें दर्द और सिर दर्द का अनुभव करते हैं पेशेंट। यदि ये लंबे समय तक रहता है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। लीनाग्लिप्टिन जो है ओरली है, 5 mg टैबलेट के रूप में आता है। आपको नियमित रूप से एक टैबलेट लेना चाहिए जो डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक है और जो डॉक्टर ने एडवाइज किया डोज उससे। और इसका उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ही किया जाता है। इस लीनाग्लिप्टिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे लो ब्लड शुगर लेवल, सिरदर्द, नासोफैरिंगिटिस, तो ये कुछ सिरदर्द वो हैं। लेकिन लीनाग्लिप्टिन की कुछ विशेषताएं ये हैं कि इसको शराब के साथ नहीं लिया जाता, क्योंकि लीनाग्लिप्टिन मधुमेह के रोगियों में रक्त ग्लूकोज के स्तर को प्रभावित करता है और शराब के साथ जो होता है, और गर्भावस्था में इसका कोई भी उपयोग नहीं करना चाहिए, और क्योंकि ये शायद सुरक्षित नहीं है और अभी तक इसका कोई भी ह्यूमन स्टडी नहीं अवेलेबल। लैक्टेटिंग में भी यही चीज़ें हैं और यह लीवर फंक्शन को प्रभावित करती है नहीं, लीवर के हानि और दवा का उपयोग करने से बीच कोई इंट्रेक्शन है तो खुराक में बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है। ये इसकी कुछ इंट्रेक्शन थी, कुछ विशेषताएँ हैं लीनाग्लिप्टिन की। और अगर बात करें लीनाग्लिप्टिन में इंट्रेक्शन क्या है, तो जब भी आप एक से अधिक दवा लेते हैं या इससे कोई और रिलेटेड जो होता है खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ के साथ यूज करते हैं तो उसका कुछ इंट्रेक्शन होता है। तो इसमें कुछ दवाएं हैं जैसे डेकमैक्स 4 mg टैबलेट, पेरिकॉर्ड 4 mg टैबलेट और डेपोमिड्रोल 40 mg पर ml इंजेक्शन जो होता है, इसके साथ कुछ इंट्रेक्शन इसके अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि ये दवा जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन ये दवा टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए ही यूज किया जाता है। अब अगर बात करें कि इसके कौन कौन से ब्रांड जो है मार्केट में अवेलेबल हैं लीनाग्लिप्टिन में, तो उसमें पहला है लीनापिल जो एल्केम लेबोरेटरीज का ब्रांड है, 5 mg टैबलेट, ओंडेरा 5 mg टैबलेट है ल्यूपिन लिमिटेड का, और टारजेंटा डुओ टैबलेट है बोरिंगर इंग्लेहम का। और इसमें कई सेगमेंट अवेलेबल है लेकिन स्पेशली लीनाग्लिप्टिन ही अवेलेबल है लीनापिल जो एल्केम लेबोरेटरीज का ब्रांड है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना है, क्योंकि अब मैं ब्रांड के अदर भी कुछ नई टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं एक सेगमेंट में ही बंद कर ना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।